अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों द्वारा हथियाने के खिलाफ आदिवासियों ने दिया ज्ञापन। तहसील कार्यालय सेगांव में आदिवासी ब्लॉक के अलग अलग गांव से आए आदिवासी समाज जनों ने जिला कलेक्टर महोदया के नाम प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे को अनुसूचित क्षेत्र की जमीन को गैर आदिवासी लोगों द्वारा अवैधानिक रूप से खरीद फरोख्त तथा गैर संवैधानिक रूप से विक्रय होने से रोकने के लिए आवेदन दिया। आवेदन में यह बताया गया कि जिले की भगवानपुरा, सेगांव, बिकनगांव, जिरनिया, खरगोन एवं महेश्वर तहसील अनुसूचित क्षेत्र में आती है। उक्त अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा विनम्र अपील निवेदन है कि अनुसूचित क्षेत्र में कुछ बाहरी लोगों द्वारा जमीन की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त की जा रही है, इसे रोका जाए। अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी समाज के लोग अहिंसक, निसर्गवादी तथा शांतिप्रिय लोग हैं। हमारी इस विकराल समस्या का शीघ्र निराकरण कर भूमि कब्जा धारक को मालिकाना हक दिया जाने की मांग की गई। इस अवसर पर मोहन किराड़े, गुलाब सिंह चौहान, गणपत गोखले, राजेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद थे। गांव बना रहे हैं, गांव में आकर के धमकी दे रहे हैं कि यह जमीन हमारी है, हमें वापस की जाए, तो यह कैसा संभव है? इतनी सारी जमीन अकेली राधाबाई के नाम से जमीन कहाँ से आई है? यही बात आज हमें यहाँ पर कहना है। तहसीलदार महोदय को हमने ज्ञापन दिया, इसमें यही कहा हमने कि आदिवासियों की जमीन आदिवासी के पास रहे, किसी सामान्य क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में उसके ऊपर कब्जा न हो, यही हम मांग लेके आज यहाँ आए। डिजियाना न्यूज निवार रिपोर्ट सेगांव।